गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक एसेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। बच्चों, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले मैं आपको थ्री टर्म्स बताऊंगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो एसेट्स के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइबिलिटी। व्हाट इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बच्चों, लाइबिलिटीज का मतलब है द ऑब्लिगेशन और डेट। लाइबिलिटी मींस द ऑब्लिगेशन और डेट विच इज पेबल बाय द फर्म। लिखा हुआ है बोर्ड पर, विच इज पेबल बाय द फर्म एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स विच आर पेबल बाय द फर्म एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है कि जो हमारे सिर के ऊपर बोझ है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देके आपको बच्चों बताता हूं, वी परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 ऑन क्रेडिट। वी परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने उधार माल खरीदा है, किससे खरीदा है? राम से। बच्चों, एक बार मैंने पहले आपको कहा था कि अगर हम किसी से उधार माल लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। तो देखिए, अब ये जो क्रेडिटर है ये हमारी एसेट है कि लाइबिलिटी है? बच्चों, उधार माल लिया है 10,000 का, तो ये 10,000 हमें पे करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देने तो पड़ेंगे इन फ्यूचर। तो ये क्रेडिटर हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। ये हमारे सिर पे बोझ है जब तक हम इसकी पेमेंट नहीं करते, राइट? और एग्जांपल आपको देता हूं। बच्चों, हमारा बिजनेस है, हमने बैंक से लोन लिया ₹2,00,000। बैंक से क्या लिया है हमने? लोन। कितने का लिया है? 2,00,000 का ले लिया लोन। अब वापिस तो करना पड़ेगा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद, जिस टाइम पीरियड के लिए लिया है उसके बाद हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे सिर के ऊपर बोझ है, लाइबिलिटी है, वापस करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का मतलब हो गया द ऑब्लिगेशन और डेट, डेट भी कह देते हैं, विच इज पेबल बाय द फर्म एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में हमने पे करना है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैंक लोन ये भी हमारी क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। जैसे बच्चों मैंने एसेट्स के बारे में बताया था कि नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, बिल्कुल वैसे ही लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, राइट? मैंने पहले ही बच्चों आपको बताया था कि करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। लिख देता हूं बोर्ड पर, शॉर्ट टर्म। और नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। चलो पहले करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करंट लाइबिलिटी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, नाम से ही क्लियर है। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल बाय द फर्म विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली हम कितना लेते हैं? 1 ईयर। तो हम ये कह सकते हैं करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल बाय द फर्म विद इन 1 ईयर। जिसकी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर करनी है वो करंट लाइबिलिटी है, राइट? और जिसकी पेमेंट हमने 1 साल के बाद करनी है उसको क्या कहेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म, विच इज पेबल बाय द फर्म आफ्टर 1 ईयर। विद इन 1 ईयर पे करना है करंट लाइबिलिटी, और अगर 1 ईयर के बाद पे करना है तो दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। आप इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हो, क्वाइट सिंपल। बच्चों, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस इज करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो बात करते हैं क्रेडिटर्स। अभी मैं कह रहा था, देखो क्रेडिटर्स, किसी से हमने उधार मान लिया है अपनी फर्म के लिए, तो वो हमारा क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्रेडिटर्स जो है वो हमारी लाइबिलिटी है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। सोचिए, करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है?
बच्चों दिस इज करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है. रीजन, रीजन वेरी सिंपल. आपने अगर किसी से उधार मान लिया है तो आपने जो पेमेंट करनी है, ये थोड़ी कि पेमेंट दो साल के बाद करेंगे, पांच साल के बाद करेंगे. पेमेंट आपने हफ्ते के बाद, महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद पेमेंट तो करनी पड़ेगी विद इन वन ईयर. तो क्रेडिटर कैसी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी, राइट. एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं. हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन, बताइए करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी? बैंक लोन इज करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, आइडेंटिफाई. बच्चों बैंक लोन करंट लाइबिलिटी भी हो सकता है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड. अगर हमने बैंक से लोन लिया है 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए, तब तो क्या कहेंगे? करंट लाइबिलिटी. और अगर हमने बैंक से लोन लिया है 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर्स, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी. तो ये था बच्चों टॉपिक, लाइबिलिटी क्या होती है, एंड इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. लाइबिलिटी को क्लासिफाई करने का एक और क्राइटेरिया है जो मैंने नीचे लिखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कस करूंगा, इसे फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं. तो बच्चों 2 टॉपिक हमारे हो गए इस चैप्टर में. एसेट्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लाइबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. हम कई बार स्टूडेंट्स को भी कहते हैं स्कूल में कि बच्चों आपने स्कूल की एसेट बनना है, नॉट लाइबिलिटी. समझ रहे हो? लाइबिलिटी का मतलब है जो बोझ है हमारे ऊपर, दैट इज लाइबिलिटी. अब एसेट्स, लाइबिलिटी, इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री में आपको करवा रहा हूं कैपिटल. ये है कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? बच्चों कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे कुछ ना कुछ पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो बिजनेसमैन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो पैसा लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल. क्यों पैसा लगाना पड़ेगा? मान लीजिए आपने बिजनेस करना है तो आपको भी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैसा लगाना पड़ेगा. क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको एसेट्स खरीदनी पड़ेगी, आपको गुड्स खरीदनी पड़ेगी. एसेट्स हमने खरीदनी है, गुड्स माल हमने खरीदना है, और एसेट्स और गुड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए. तो कैपिटल का मतलब है बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. ये है बच्चों कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ विच एसेट्स एंड गुड्स आर परचेज्ड. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ विच एसेट्स एंड गुड्स आर परचेज्ड. मान लीजिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने बिजनेस में लगा दिए 5 लाख रुपीज, तो कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख. मान लीजिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और बिजनेस में लगा दिए मैंने 10 लाख रुपीज, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. ठीक है बच्चों, तो 3 टर्म्स हो चुकी हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. बच्चों एक बैलेंस शीट का मैंने जिक्र किया था, ये बैलेंस शीट है. मैंने आपको कहा था, ब्रीफ में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 साइड्स, एसेट्स एंड ऑन द अदर साइड लाइबिलिटी. लाइबिलिटीज भी दिखाते हैं और कैपिटल. एसेट्स ऑन वन साइड एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर साइड. और मैंने कहा था कि इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल. इक्वल क्यों होगा वो आगे आपसे बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. तो इस बैलेंस शीट को देखिए, इस बैलेंस शीट को देख के मैं ये कह सकता हूं कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट. एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑलवेज. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आगे वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे.
फिलहाल तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। ये इक्वेशन कैसे बन गई वो आगे डिस्कस करेंगे हम। या हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यह है कैपिटल। अब लाइबिलिटी वाले टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं। मैंने कहा था कि लाइबिलिटी मे बी ऑफ टू टाइप्स, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। बच्चों लाइबिलिटी को क्लासिफाई करने का एक और क्राइटेरिया है, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये डिफरेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि क्या फर्क है। बच्चों ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बात मुझे और बतानी पड़ेगी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बुक में जो दिया हुआ है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चों जो अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं इसके बहुत सारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, मैंने पहले ही दिन कहा था ये नहीं कि जैसे मर्जी कर दो, उसके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं। वो प्रिंसिपल्स आपको सिखाए भी जाएंगे लेटर ऑन। तो उस चैप्टर में एक प्रिंसिपल आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा ब्रीफ में, बाकी डिटेल तो बाद में करेंगे। बच्चों ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट इन अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग में बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये देखिए ये फर्म है और ये ओनर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इसको अलग मानना है और इसको अलग मानना है। ये प्रिंसिपल एक बात और कहता है कि ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। हम बुक्स में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। फर्म अलग है, ओनर अलग है अकाउंटिंग में, दिस इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब बच्चों ये देखिए कि फर्म है, बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, फंड्स की। फर्म को बिजनेस करना है उसके लिए जरूरत किसकी, फंड्स, फाइनेंस, पैसे की जरूरत है। फर्म के पास पैसा कहां से आएगा, फंड्स कहां से आएंगे, सोचिए। देयर आर टू सोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। फर्म को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, देयर आर टू सोर्सेस, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अगर हमने बाहर से पैसा अरेंज किया है, बैंक से लोन ले लिया, किसी से उधार माल ले लिया, कहीं बाहर से अरेंज किया है, अगर हम फंड्स बाहर से अरेंज करते हैं तो दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। और अगर फंड्स ओनर ने लगाए हैं, अब क्योंकि फर्म और ओनर दोनों अलग अलग हैं इन अकाउंटिंग, तो अगर पैसा बाहर से अरेंज किया है एक्सटर्नल सोर्स, अगर पैसा ओनर ने खुद लगाया है दैट इज इंटरनल सोर्स। देर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड्स इन अ बिजनेस। बच्चों समझ रहे हो, अब इस टॉपिक पर आते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये पॉइंट बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब इसको ध्यान से देखना, पहले मैं बता रहा हूं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी नाम से ही क्लियर है, द लाइबिलिटी विच इज पेबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स, द लाइबिलिटी विच इज पेबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर पार्टीज का हमने पैसा देना है दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है द लाइबिलिटी विच इज पेबल बाय द फर्म टू द ओनर।
विच इज पेबल बाय द फर्म टू द ओनर। समझ रहे हो बच्चों डिफरेंस? बाहर के लोगों का जो हमने पैसा वापस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और ओनर का जो पैसा वापस करना है दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। फर्म के लिए ये भी लाइबिलिटी है और फर्म के लिए ये भी लाइबिलिटी है, क्योंकि फर्म अलग है और ओनर अलग है एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लाइबिलिटी में बोलूंगा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सोचिए, इट इज इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बिल्कुल क्लियर है, दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट? किसी से उधार मान लिया है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बैंक लोन, बैंक से कर्जा लिया है 5 लाख का, सोचिए इंटरनल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, नो डाउट। क्रेडिटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, बैंक लोन के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है चाहे लॉन्ग टर्म लोन है, दिस इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जी इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी है, इसका एग्जांपल, विच इज पेबल बाय द फर्म टू द ओनर। बच्चों इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जांपल है कैपिटल, कैपिटल सपोज कैपिटल इज 5 लाख, ये 5 लाख रुपए किसने लगाए हैं, ओनर ने लगाए हैं, कहां लगाए हैं, बिजनेस में। तो जो पैसा आउटसाइडर्स का हमने देना है, हमने का मतलब फर्म ने देना है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और जो पैसा हमने ओनर का देना है दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। जो कैपिटल है वो भी लाइबिलिटी है फर्म के लिए, लेकिन कैसी लाइबिलिटी है, इंटरनल। दैट्स व्हाई जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इस बैलेंस शीट को देखिए, इस बैलेंस शीट को देखिए, एसेट्स सपोज कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एक्सेट्रा, टोटली एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज में देखिए, क्रेडिटर्स, बैंक लोन और कैपिटल, राइट? मान लीजिए एसेट्स का टोटल है 7 लाख, एसेट्स का टोटल कितना है 7 लाख, कैश प्लस बिल्डिंग प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक। लाइबिलिटीज में देखिए, क्रेडिटर्स है 50,000, बैंक लोन है 1,50,000 और कैपिटल है 5 लाख, टोटल कितना हो गया 7 लाख, टोटल इक्वल होता है। अब यहां पर देखिए एसेट्स टोटल 7 लाख की है, ये 7 लाख बिजनेस के पास कहां से आए, कुछ बाहर से अरेंज कर रखा है, कुछ ओनर ने अरेंज कर रखा है, कुछ पैसा बाहर के लोगों से लिया है, कुछ पैसा ओनर ने लगाया है। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 50,000 प्लस 150 कितना हो गया 2 लाख, और ये कितना हो गया 5 लाख। समझ रहे हो बच्चों? ऊपर की जो दोनों आइटम है इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, विच इज पेबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स, और इसको हम क्या कहेंगे कैपिटल को, इंटरनल लाइबिलिटी, विच इज पेबल बाय द फर्म टू द ओनर। तभी तो हम कैपिटल को लाइबिलिटीज के साथ लिख रहे हैं, फर्म के लिए ये भी लाइबिलिटी है और फर्म के लिए ये भी लाइबिलिटी है। फर्क क्या है कि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और ये इंटरनल लाइबिलिटी है। देखो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? तो 3 टर्म्स हो गई, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी के बारे में हो गया, और थर्ड मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल। एक और पॉइंट बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, यहां लिखता हूं, एक और पॉइंट है बच्चों, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स। बच्चों ये ड्रॉइंग्स वर्ड भी बार बार यूज होएगा जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस चैप्टर में हम जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं ये आपको पक्का लर्न होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए आपको, क्योंकि अकाउंटेंसी जब हम आगे पढ़ेंगे सारे वर्ड्स, ये सारी टर्म्स बार बार यूज होंगी, और अगर किसी बच्चे को इसका मीनिंग ही नहीं पता तो उसको दिक्कत आएगी। तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर में कोई लापरवाही आपने नहीं करनी, और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंसी में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए,
ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जितने भी चैप्टर्स इस अकाउंटेंसी में है, पूरी एक चेन है, हर अगला टॉपिक पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कुछ दिनों के बाद मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करना है, और जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा तो आपको रियलाइज होएगा कि वाकई इसमें आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, कोई लापरवाही इसमें आपने नहीं करनी। डिफिकल्ट नहीं है, क्वाइट इजी, बस कॉन्टिन्यूटी। अब यहां पे देखिए, मैंने लिखा है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का क्या मतलब है बच्चों? ये वर्ड यहां से आया, विड्रो। ये वर्ड बना है विड्रो से। अगर प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में से कैश निकाल लेता है, सपोज कोई दुकानदार है, उसने बिजनेस में से निकाल लिए 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, बेटे की स्कूल की फीस भरनी है, तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, 10,000 विड्रॉ कर लिए और अपने बेटे की स्कूल की फीस पेमेंट कर दी फॉर पर्सनल पर्पस। कई बार क्या होता है, जो ओनर है वो अपनी दुकान में से, बिजनेस में से गुड्स निकाल लेता है, गुड्स माल निकाल लेता है वर्थ रुपीज 5,000 फॉर पर्सनल पर्पस। मान लीजिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो 5,000 के गारमेंट्स हमने निकाल लिए घर के लिए फॉर पर्सनल यूज। तो कहने का मतलब है, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस, इसी को हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, विड्रॉन बाय द ओनर। कहां से विड्रॉ किया, आउट ऑफ द बिजनेस, आउट ऑफ द बिजनेस, और किस लिए, फॉर पर्सनल पर्पस। देखिए बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूं, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर आउट ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस, दिस इज नोन एज ड्रॉइंग्स। विड्रॉ कर लेना, कैश निकाला है या गुड्स निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स। अब आप बच्चों ये बताओ मुझे कि ड्रॉइंग से प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी? सोचिए, आपने बिजनेस में लगा रखी है 5 लाख रुपीज, आपकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख, ठीक है। आपने क्या करा, अपने बिजनेस में से 20,000 निकाल लिए, 20,000 आपने कैश निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, घर पे जरूरत थी फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग से उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होएगी। तो उसकी कैपिटल कम होगी, कितनी रहेगी, 5,80,000 ड्यू टू ड्रॉइंग्स, कैपिटल ऑफ द ओनर इज डिक्रीज। तो टोटल 4 पॉइंट हो गए बच्चों, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को मैं ब्रेक ले रहा हूं 2 दिन का, और ब्रेक बच्चों इसलिए ले रहा हूं ताकि जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है वो सारा टॉपिक आप तैयार कर लो, क्योंकि जब तक पिछला टॉपिक तैयार नहीं होगा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों सैटरडे और संडे को सारा टॉपिक आपने तैयार करना है, बाकी जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे मंडे को। थैंक यू वेरी मच।